और हमें इसमें जो ये इक्वेशन दी हुई है ये वाली, हमें इस इक्वेशन को इस नंबर से जो है डिवाइड करना है, पता करना है कि इसके और कितने जो है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं, हमें इसके ज़ीरोज़ पता करने हैं। सो उसके लिए हम जो ये नंबर दिया हुआ है, हम इनमें से किसी एक नंबर से जो है इसे डिवाइड करेंगे। बट अभी ये रूट के अंदर है ये नंबर, सो हमें डिवाइड करने के लिए रूल ये है कि हम किसी भी नंबर को अगर वो रूट के अंदर है तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले इसे रूट के जो है बाहर लाना होगा। हम जब इसे बाहर ले आते हैं तभी हम जो है इसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलिए हम इस आंसर को जो है स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो को हम लिखते हैं आंसर। देखिए पहले हम इस नंबर को जो है ऐसे एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे और लिखेंगे ये इसका एक फैक्टर है। सो अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी जो है लिख सकते हैं, एंड माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3। आर द ज़ीरोज ऑफ इस इक्वेशन की, ज़ीरोज है ये, हम यहाँ पे एक्स लिख दे रहे हैं पॉलिनोमियल पी एक्स, क्योंकि इतने में ये पूरा इक्वेशन जो है नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे पी एक्स लिखा हुआ है। सो अगर ये इसके फैक्टर हैं, सो अगर हम इस पर जो रूट है वो रूट हटा दें तो भी ये इसके जो है फैक्टर होंगे। चलिए इसके जो है रूट हटाते हैं, ब्रैकेट में एक्स माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 ब्रैकेट, फिर अगले ब्रैकेट में लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा है माइनस का तो यहाँ लिखेंगे प्लस का, x प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 और कर देंगे जो है ब्रैकेट को क्लोज। इज फैक्टर ऑफ ये जो नंबर है हमने इसे पी एक्स लिया हुआ है, ऑफ पी एक्स हमने इस नंबर को पी एक्स जो है लिया हुआ है। सो अगर ये इसका फैक्टर है तो अगर हम इसके जो रूट है वो हटा दें तो भी ये इसका जो है फैक्टर होगा। सो अगर इसके जो है रूट को हटाते हैं तो हमारा अगर हम रूट को हटाना है तो हमें एक्स पे स्क्वायर लगाना होगा। हम जैसे ही एक्स पे स्क्वायर लगाते हैं तुरंत जो ये रूट है 5 और 3 पे ये रूट जो है तुरंत हट जाएगा। चलिए हमने यहाँ पे लगा दिया एक्स पे स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 3 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स मतलब ई वाला नंबर जो ये इक्वेशन दिया हुआ है। मैं बार बार बता रहा हूँ पी एक्स मतलब ई वाली इक्वेशन। डिस्टेंस यहाँ पे कम थी, मैंने इक्वेशन नहीं लिखी, यहाँ भी कम थी नहीं लिखी, बट यहाँ पे काफ़ी स्पेस थिया इसीलिए मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं लिखा है। चलिए इसलिए मैंने यहाँ पे पी एक्स लिखा है। अब जो है हमें इसे लिखना है, अभी ये इंटीजर के फॉर्म में हमें इसे लिखना है सिंपल फॉर्म में। देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x² माइनस 5। हमने जो है ये वाले जो नंबर है हमने इसे लिया है, इसे डिवाइड करने के लिए, इस वाले इक्वेशन को डिवाइड करने के लिए हमने इस नंबर को जो है चूज़ किया है। सो अगर ये इसका फैक्टर है, हम एक बार फिर लिखेंगे इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हमें मालूम चला है कौन किसका जो है फैक्टर है, तो अब हम जो है इस नंबर को, इस इक्वेशन को है डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। जो इसमें मेन काम है वो है डिवाइड करना है, कि आप भी इस वीडियो पे इसीलिए आए होंगे कि आपको डिवाइडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। देखिए तो पहले हम चलिए बढ़ाते हैं इसके डिवाइड की तरफ। ये हमने बनाया डिवाइड के लिए ब्रैकेट, आप इसे थोड़ा बड़ा बनाइएगा जिससे आपके जो नंबर है ये वाली ये आ जाए। और आप यहाँ पे लिखिए 3x² - 5 और जो ये नंबर है मैं कर लेता हूँ कॉपी, यानी कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x - 5। देखिए मैंने एकदम एग्जैक्ट बनाया है कि ये पूरी जो इक्वेशन है यहाँ पे फिट हो गई है। अब हमें करना है इस नंबर को
इस नंबर को इससे डिवाइड, देखिए अगर यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 3x³ है, मतलब कि अगर हम x² लेते हैं तो हमारा जो ये नंबर है पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिया x² सो अगर हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये इसके बराबर आएगा। देखिए 3x² मल्टीप्लाई बाई x² इक्वल टू 3x⁴, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेम है, यहाँ पे खाली x मल्टीप्लाई कर किया है हमने, साइन प्लस किया, तो यहाँ पे जो साइन लगाएंगे वो प्लस ही लगाएंगे। अब यहाँ पे 5 और 2x² को जो है हमें करना है मल्टीप्लाई, तो 5 × x² इक्वल टू 5x², देखिए यहाँ जहाँ पे अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट में जहाँ भी स्क्वायर जिस वेरिएबल पे रहेगा हम उसी वेरिएबल से है उस नंबर को डिवाइड करेंगे, हम 3 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जो 3 है वो उससे एक नंबर ज़्यादा है। सो हम मल्टीप्लाई हम डिवाइड करेंगे -2x² को। सो हमने यहाँ पे जो साइन है ये माइनस की है, तो यहाँ पे जो हम साइन लगाएंगे वो लगाएंगे माइनस की, 5 × x² इक्वल टू 5x². अब हम इसे कर देंगे डिवाइड, बट डिवाइड करने के पहले हमें इसे जो साइन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे साइन प्लस की है हम लगाएंगे माइनस की, यहाँ पे साइन माइनस की है हम लगाएंगे प्लस की। सो अगर हम इसे यहाँ पे जो साइन है अगर साइन कुछ नहीं मतलब प्लस की है, तो प्लस माइनस हो गया पूरा कट। यहाँ पे प्लस माइनस अगर हम करते हैं तो 5 + -2 इक्वल टू 3x², हमने यहाँ पे लिखा 3x². अब जो बचे हुए नंबर हैं हम इसे कर लेंगे कॉपी, यहाँ पे हमारा 6x³, साइन जो है प्लस की रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो 5 है बड़ा है उस पर साइन जो है प्लस की लगी हुई है। अब जो बचा नंबर वो है -10x - 5। अब आपको इसे करना है डिवाइड, देखिए इसके लिए आपको फिर से वही काम करना होगा। आपको ध्यान नहीं देना है कि अगर यहाँ पे साइन माइनस की है तो आप यहाँ पे जो नंबर लेंगे आप उसके पर जो साइन लगाएंगे वो माइनस की लगाएंगे, बट अगर यहाँ पे साइन प्लस की है मतलब अगर साइन कुछ नहीं है या फिर प्लस की है तो आप यहाँ पे प्लस लगा के आगे के नंबर लिखेंगे। यहाँ पे साइन कुछ नहीं है मतलब साइन प्लस की है, हमने यहाँ पे लगा दिया प्लस की साइन और हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2x से 2x, देखिए क्योंकि अगर हम 3x² को मल्टीप्लाई करते हैं 2x से तो हमारा आंसर आएगा 6x³। सो हमने इसीलिए जो है 2x को लिया हुआ है। सो 3x² मल्टीप्लाई बाई 2x इक्वल टू 6x³। और हमें एक लाइन जो है ड्रा कर देते हैं पहले ही। अब बचा हमारे पास 5, अगर हम 5 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 10x, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है 10x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10x। बट हमें अब ध्यान देना है साइन की, जो है साइन है वो किसकी रहेगी। सो यहाँ पे साइन जो है वो माइनस की है, यहाँ पे प्लस की है, तो यहाँ पे जो साइन है प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, यहाँ पे जो साइन आएगा वो होगी माइनस की। अब आपको साइन जो है वो चेंज करना है, यहाँ पे मैंने पहले कहा था आपसे कि अगर साइन कुछ नहीं मतलब साइन प्लस की है तो मैंने प्लस की साइन जो है लगा दी है। अब साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, तो ये पूरा कट गया और ये भी पूरा जो है कट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास बचा है 3x², साइन जो है माइनस से लगाएंगे, यहाँ भी माइनस है, फिर 5 बचा है। अब हमें इसे करना है डिवाइड, देखिए अब हम देखिए आपको लग रहा होगा कि ये वाला नंबर जो ये वाली इक्वेशन है और जो ये वाली इक्वेशन है ये दोनों जो है बराबर हैं। सो हम इसे अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जो हमारा आंसर आएगा वो सही आ सकता है। तो हम यहाँ पे करते हैं 1 से मल्टीप्लाई +1, यहाँ पे साइन जो है कुछ नहीं मतलब प्लस की है, हमने यहाँ पे जो नंबर लिया है वो प्लस में लिया है। सो 3x² मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 3x², साइन जो प्लस की है हम साइन प्लस की ही रहने देंगे, फिर यहाँ पे साइन माइनस की, यहाँ पे साइन माइनस की है, तो जो हम साइन लेंगे वो भी हम जो माइनस की लेंगे। सो -5 × 1 इक्वल टू 5, अब यहाँ पे साइन कुछ नहीं मतलब यहाँ पे साइन जो है प्लस की है। अब आपको जो है साइन चेंज करना है, हमने कर दिया साइन चेंज और ये हो गया। अब आप देखें कि जो पूरा नंबर ये कट सकता है एकदम से, तो हमने इसे कर दिया पूरा कट और आ गया 0। सो दोस्तों हमने इसे कर दिया पूरी तरह से डिवाइड। अब आपको इसे करना है इसका मिडिल टर्म स्प्लिट, तो चलिए हम इसके जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। देखिए अब जो हमारा ये वाला नंबर आया है x² + x 2x + 1, अब हमें इसका जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। सो हम यहाँ लिखते हैं फॉर रिमेनिंग जीरोज़
अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं, जो कि नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे पसीना गिर गया, पानी गिर गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब हमें इसका जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। सो हमको इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करना होता है, हमें इसके जो पहला नंबर है और जो कांस्टेंट नंबर है हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जो प्रोडक्ट आता है हमें उसके फैक्टर निकाल के हम बीच का जो है नंबर लाते हैं। तो मैं आप देखता हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वन है, वन एंड कांस्टेंट टर्म यानी कि वन वन इक्वल टू वन। अब हमें इसका फैक्टर निकालना है, इक्वल टू वन इंटू वन, एक ही इसका जो है फैक्टर होता है वन इंटू वन। सो हमने इसका फैक्टर जो है वो निकाल लिया है। अब हमें करना है इसको इस इक्वेशन में पुट। सो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वन एक्स प्लस वन एक्स ब्रैकेट में वन, भाई वन प्लस नहीं रहेगा। देखिए आपको जो है कुछ भी करके बीच का जो है नंबर लाना रहता है, आप चाहे प्लस कीजिए फिर माइनस कीजिए। तो अगर हम वन और वन को प्लस करते हैं तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा टू, तो हमने इसलिए यहाँ पे वन जो है लिया हुआ है। सो अगर हम अब इसे और स्प्लिट करते हैं तो हमारा जो है कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं, आपको करना है ब्रैकेट ओपन, जो साइन है वो प्लस की लगेगी क्योंकि हर जगह जो है साइन प्लस की थी। सो वन एक्स प्लस वन। अब आपको इसे अलग ब्रैकेट में कर लेना है, दो दो का पेयर बना के। अब आपको इनमें से जो है कॉमन लेना है, एक कॉमन इस ब्रैकेट से, एक कॉमन इस ब्रैकेट से। तो अगर आप देखें तो इस ब्रैकेट में खाली एक्स कॉमन है, हमने लिया एक्स को ब्रैकेट के बाहर। तो अगर हमने यहाँ से एक्स निकाल लिया तो बचा एक्स प्लस वन, और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे खाली वन कॉमन है क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है। सो हमने यहाँ पे ले लिया वन कॉमन, यहाँ बस ये हमारा एक्स प्लस वन। सो अब हमें जो है क्या करना होगा, देखिए हमने अभी से ऐसे लिख लिया है। तो अब अगर ये वाला नंबर और ये वाला ब्रैकेट में जो दो चीज़ें एक जैसी हैं तो हम इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो ये वाला एक्स है और जो ये वाला वन है हम इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। हमने इसे ऐसा कर लिया, देखिए फिर यहाँ पे एक्स प्लस वन हमने लिखा एक ब्रैकेट में, और जो बचा हुआ था हमारा एक्स प्लस वन, जो हमारा ये वाला नंबर था ना, ये वाला एक्स और ये वाला वन, हमने इसे एक ब्रैकेट में कर लिया है। हमने यहाँ पे जो साइन लगाई वो प्लस की लगाई है क्योंकि हमने ये सारे नंबर जो है प्लस में ही थे। सो हमारा जो आंसर आया वो आंसर हमारा कुछ ऐसा आया है। सो अब हम जो कह सकते हैं कि देयर ज़ीरोज़ आर या फिर हियर आल ज़ीरोज़ आर, पहले तो हम उन नंबर को लिखेंगे जो नंबर पहले क्वेश्चन में ही दिए हुए थे। तो वो क्वेश्चन में जो नंबर थे वो थे अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री, और दूसरा था माइनस में, सर ये माइनस यहाँ नहीं, ये माइनस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लगता है, फाइव अपॉन थ्री, और एक था जो हमने अभी यहाँ पे निकाला है। तो अगर हम इसे ज़ीरोज ऑफ पॉलीनोमियल निकालते हैं तो इसकी वैल्यू जो है माइनस वन आएगी, और अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस वन आ दिए तो इसकी भी वैल्यू माइनस वन आएगी क्योंकि दोनों एक ही नंबर है, तो माइनस वन, और ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन आसान लगा हो, आप चाहते हैं कि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें, इससे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, आपको आपके एग्ज़ाम पेपर मिलते रहे लास्ट ईयर के इस ईयर के, तो आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे देंगे, ऐसा मेरा वादा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।